हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं तौकीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एप हाउस। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आने वाले इस जो नया साल है 2022, तो इसके अंदर हम कुछ पैसिव इनकम करें, और पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए एक जो सबसे अच्छा तरीका है वो है दोस्तों यूट्यूब। हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब से अगर आप एक चैनल बनाते हो और वीडियोस अपलोड करते हो तो, और जब अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप एक बहुत अच्छी अर्निंग यूट्यूब के जरिए कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि ऑलरेडी अपना चैनल यूट्यूब चैनल नया बना लिया होगा या फिर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके सामने सवाल यह है कि हम यूट्यूब चैनल तो बना लेंगे लेकिन उस पर जो वीडियोस अपलोड करना है तो ये सही तरह से हम अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड किस तरह से करें कि जिसकी वजह से आपके जो वीडियोस है वो वायरल हो और आपके वीडियोस के ऊपर बहुत सारी व्यूज आए। तो दोस्तों, आपके इसी परेशानी का, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरी मेथड के साथ में सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से यूट्यूब के ऊपर अपने जो चैनल के ऊपर आप वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, किस तरह से आपको टाइटल लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना है, टैग्स लगाना है, किस तरह से आपको SEO करना है, क्या क्या सेटिंग करना है, किस तरह से आपको थंबनेल्स लगाना है कि जिसके वजह से आपका जो वीडियो है वो वायरल हो, और किस तरह से आप अपने यूट्यूब वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर फास्ट अपलोड कर सकते हो। तो यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करने के लिए आपके पास में दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप क्रोम ब्राउजर या किसी और ब्राउजर के थ्रू डेस्कटॉप साइट पे जाकर दोस्तों आप अपने मोबाइल से ही वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि यूट्यूब का जो अपना खुद का एप्लीकेशन है, यूट्यूब एप्लीकेशन, उसके थ्रू जाके आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को मैनेज करने के लिए यूट्यूब ने और एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है YT Studio। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से यूट्यूब एप्लीकेशन के थ्रू अपने वीडियोस को अपलोड करके और किस तरह से बाकी की जो बची हुई सेटिंग है वो YT Studio की मदद से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम यूट्यूब एप्लीकेशन की मदद से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस को अपलोड करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर आपका जिस ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल बना है उस ईमेल आईडी से आपको उस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में राइट साइड में टॉप के ऊपर आपको यहाँ पर दोस्तों यूअर चैनल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा। आपका चैनल ओपन होने के बाद में डाउन साइड में नीचे दोस्तों आपको प्लस का आइकॉन दिखाई देगा, इस प्लस के आइकॉन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड ए वीडियो, इस अपलोड ए वीडियो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आपके मोबाइल की गैलरी में से जो भी वीडियोस आप अपलोड करना चाहते हैं उस वीडियो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे उस वीडियो का जो टाइटल वगैरह है, डिस्क्रिप्शंस वगैरह है, उसको ऐड कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइटल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। दोस्तों, आपको आपके वीडियो का जो SEO है, SEO मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और टैग्स वगैरह, ये पहले से ही तैयार करके रख लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि मैंने इस मोबाइल के अंदर एक नोट पैड डाउनलोड करके रखी है, उस नोट पैड में मैंने टाइटल वगैरह और डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो है पहले से ही वीडियो का पूरा तैयार करके रखा है। अब यहाँ से मैं इस टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में दोस्तों उसे जस्ट टाइटल में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइटल जो है मैंने वो ऐड कर दिया है, और आपका जो टाइटल है उसके जो कैरेक्टर लिमिट होती है यूट्यूब की ओर से वो 100 कैरेक्टर की होती है, और 100 से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर टाइटल के अंदर कैरेक्टर ऐड करते हो तो आपका वीडियो जो है वो अपलोड नहीं होगा। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बारी है डिस्क्रिप्शंस की, तो चलिए मैं डिस्क्रिप्शन भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए आपको ऐड डिस्क्रिप्शंस के ऑप्शन पे जाना है, और वहाँ पे जो आपने डिस्क्रिप्शंस दोस्तों नोटपैड में लिखा था उसको कॉपी करके जस्ट यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप यहाँ पर दोस्तों 5000 कैरेक्टर्स तक के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कि टाइटल हमारा ऐड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, तो विजिबिलिटी में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है पब्लिक, एक है अनलिस्टेड और एक है प्राइवेट। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं, डायरेक्टली पब्लिक करना चाहते हैं, तो आप पब्लिक के ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर अनलिस्ट
करके आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो अनलिस्टेड पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट पे दोस्तों प्राइवेट करके आप अगर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अपने जितने भी जो वीडियोज़ हैं उसको प्राइवेट पर सेट करके ही उसे अपलोड करता हूँ, और बाद में YT स्टूडियो में जाके, क्रिएटिव स्टूडियो में जाके दोस्तों उसकी बाकी की जो सेटिंग वगैरह बचती है उसको, उस सेटिंग को करके फिर उसे हम पब्लिश करते हैं। तो बेस्ट यही रहेगा दोस्तों कि आप जो भी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो उसको पहले, जब अपलोड करने से पहले उसको, उसकी जो सेटिंग है वो प्राइवेट ही रखिए। तो चलिए यहाँ पे एक बार और हम चेक कर लेते हैं। टाइटल हमने लिख लिया, डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया, विजिबिलिटी हमने प्राइवेट ही रखी है। उसके बाद में यहाँ पे ऑडियंस के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यस इट्स मेड फॉर किड्स और नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। मतलब मान लो दोस्तों अगर आपने जो वीडियो बनाया है वो छोटे बच्चों के लिए है तो आपको यस इट्स मेड फॉर किड्स पे क्लिक करना है, और आपका जो वीडियो वह छोटे बच्चों के लिए नहीं है तो आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो मेरा टेक चैनल है तो मेरे जो वीडियोज़ हैं वो छोटे बच्चों के लिए नहीं होते हैं, तो और मेरी जो वीडियो की जो सेटिंग होती है वो हमेशा नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। टाइटल हो गया हमारा, डिस्क्रिप्शन हो गया, विजिबिलिटी हमने प्राइवेट रखी है, ऑडियंस नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, और लोकेशन वगैरह को आपको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन है ऐड टू प्लेलिस्ट, तो आप चाहे तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके अगर आप आपके आपने अपने चैनल पे जो भी प्लेलिस्ट बनाई होंगी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इस वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करना है, तो मैं बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हमें जस्ट अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो हमारा जो वीडियो है दोस्तों वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमें अपने मोबाइल के अंदर YT स्टूडियो में चलना है। दोस्तों आपको आपके मोबाइल के अंदर अब YT स्टूडियो का एप्लीकेशन ओपन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो वीडियोस को हम अपलोड कर रहे थे वो उसका अपलोडिंग शुरू है, तो हमें इस पर क्लिक करके इसकी बची हुई जो एडिटिंग है, मतलब इसका जो SEO वो कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमको इसमें थंबनेल वगैरह ऐड करना है और जो बाकी के टैग्स वगैरह लगाना है वो भी हम यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थंबनेल ऐड कर लेते हैं। थंबनेल ऐड करने के लिए मुझे इस पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है। पेंसिल पे आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में फिर से इस आइकॉन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर कस्टम थंबनेल के ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है। तो आपके गैलरी में से जो आपने थंबनेल बनाया है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक थंबनेल मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो इस थंबनेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो थंबनेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो थंबनेल है, थंबनेल यहाँ पर सेव होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो कि जो हमने एडिटिंग की है वो सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है हमारे टैग्स की। तो टैग्स अब यहाँ पे दोस्तों हमको हमारी वीडियो के अंदर टैग्स लगाने हैं, तो उसके लिए फिर से हमको इस पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में डाउन साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर ऑप्शंस का, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड टैग्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके वीडियोस के रिलेटेड जो भी टैग्स है उसको ऐड कर देना है। तो चलिए मैं अपने जो टैग्स है वो ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों कि इस तरह से आपको टैग्स जो है उसको लिखना है, और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से कॉमा देना है, तो ऑटोमेटिकली जो वो टैग्स है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बैक आना है, और बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपने जो टैग्स ऐड किए हैं उस वीडियो के अंदर वो टैग्स ऐड हो जाएंगे। इसके बाद के दोस्तों जो सेटिंग्स है वो हमारा वीडियो जब कम्प्लीटली अपलोड हो जाएगा उसके बाद में हमें दोस्तों इसमें कुछ और जो बची हुई जो सेटिंग्स है वो करना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो पूरी तरह से अपलोड हो चुका है। अब इसमें हमें बची हुई जो सेटिंग्स वगैरह है, अगर चैनल मोनेटाइज है तो उसका मोनेटाइजेशन ऑन कर देना है, और बाकी की जो सेटिंग है वो कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो उसके लिए इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद में हमें इस पेंसिल के आइकॉन पर फिर से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में हमारा टाइटल जो है वो यहाँ पर हमने लिखा था, डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया था। अब यहाँ पर जो विजिबिलिटी है इसको हमको दोस्तों पब्लिक कर देना है, क्योंकि हमें इस वीडियो को पब्लिक करना है। उसके बाद में मेरा चैनल मोनेटाइज है तो मुझे इस मोनेटाइजेशन को यहाँ पे ऑन कर देना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे ऑन कर देता हूँ, और जितनी भी जो एड्स है सारी एड्स दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑन कर दी है। और बैक जाने के बाद में यहाँ पे दोस्तों ऑडियंस जो है हमारा नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स सिलेक्टेड है। उसके बाद में हमें इस वीडियो को अगर आप प्ले लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, मुझे ऐड नहीं करना है। उसके बाद में मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि टैग्स वगैरह भी यहाँ पर मैंने सारे ऐड करके रखे हैं। उसके बाद में जो कैटेगरी है, तो मेरा जो चैनल है दोस्तों वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आता है, तो मैंने वही चूज़ करके रखा है। आपका जो भी आता हो तो आप यहाँ से आपने जो वीडियो बनाया वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों
यहाँ पर जितने भी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देख लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर राइट साइड में टॉप के ऊपर इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो वीडियो है दोस्तों वो पब्लिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सारी जो एडिटिंग है वो सेव हो चुकी है। हम बैक चलते हैं और इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा जो वीडियो है वो पब्लिश हो चुका है, और अब इसके ऊपर दोस्तों जो व्यूज़ है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप YouTube एप्लीकेशन के मदद से, YT स्टूडियो एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों अपने मोबाइल के थ्रू ही आप एक अच्छा बढ़िया सा अपना जो YouTube वीडियो है वो YouTube के ऊपर अपलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।